हाय एवरीवन, माइसेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो डिटेल में है, आप देख लेना। उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो वे है अप्लाई करने की, लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट और पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, सीट्स वगैरह कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और भी अलग अलग कोर्सेज की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करी गई हैं, आप उसे चेकआउट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हो, इन एग्रीगेट एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% होने चाहिए एससी कैंडिडेट्स के एटलीस्ट। आपको देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी में यही चीज़ मैंशनड है कि 10+2, 12th ग्रेड, मेडिकल और नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में भी विद बायोलॉजी है तो वो चलेगा, और 50% मार्क्स एटलीस्ट हों, 45% मार्क्स हों एससी के इन एग्रीगेट एटलीस्ट। और ये चीज़ है, एग्जामिनेशन का जो एडमिशन का जो वे है, मोड ऑफ एडमिशन, वो है एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड। पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसको आप क्वालिफाई करते हैं, तब आपको इसमें एडमिशन्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें सीट्स का क्या पैटर्न है। इसमें ना प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली सीट्स जो हैं वो डिज़ाइंड हैं। बीएससी डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में जो 3 ईयर्स का है, और बीएससी ऑनर्स डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन 4 ईयर्स वाला है, बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन 4 ईयर्स का है, उसकी 16 सीट्स हैं। ये सभी की मैं दिखा रही हूँ आपको प्रॉस्पेक्टस में, जैसे है आप उस अकॉर्डिंगली देख लीजिए। बाकी रही बात कि एंट्रेंस टेस्ट का क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, क्या कुछ कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा 8 मई से 2024 में, मतलब इस बार, और ये ख़त्म कब हो जाएगा 20th और 6th मंथ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या है, आपने इसमें एडमिशन लेनी है तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और वो इस बरी कब है पता तो हो, तभी तैयारी करोगे ना उसी हिसाब से, तो वो है 28th और 6th मंथ को। कितने टाइम का पेपर है, 10 AM to 12:15 PM तक ये होगा। कहाँ ये होगा, महाराजा रंजीत सिंह भवन में होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर अतुल खन्ना हैं जी हैं। तो ये इसका वे, आप लास्ट डेट चेक करके रखो, कब से शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, और एंट्रेंस टेस्ट कब होना है ये आपको पता हो। आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई कि क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि इसमें सीट्स कितनी हैं, अप्लाई कब करना है, कैसे। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने किया तो 50 क्वेश्चंस आ गए, 150 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे, ठीक है। एक बारी मैं आपको उसमें से प्रॉस्पेक्टस में से भी बता देती हूँ कि कहते कि 28th और 6th मंथ को ये पेपर होगा, PCM या B आप जैसे भी हो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आएंगे, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 hours and 15 minutes है, टाइम 10 AM to 12:15 PM है, ठीक है। UGC जो पेपर है वो ये आपका होगा, एंट्रेंस टेस्ट का ये नाम है, इसी का रिजल्ट फिर आएगा जो आप चेक करोगे। तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले हैं तो आप वही सब्जेक्ट्स के साथ इसमें अप्लाई करना। वैसे एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है वो उन्होंने कॉमन एक जगह पर दे रखा है प्रॉस्पेक्टस में, तो आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर ना और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली उसे चेक करिए। यहाँ पर बी फार्मेसी का, बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का कोर्स है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के भी अलग अलग टेस्ट जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो जो उसके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स हैं उनकी जो डेट्स हैं, पैटर्न हैं, आप उसके हिसाब से तैयारी करो, और ठीक है। UGC जो पेपर है वो ये आपका होगा, एंट्रेंस टेस्ट का ये नाम है, इसी का रिजल्ट फिर आएगा जो आप चेक करोगे। अब पेपर कैसे है, क्या कंप्यूटर वाला है या OMR वाला है, OMR है, पेन एंड पेपर बेस है, उसी को आपने फिल आउट करना है, फिर आपकी मतलब पेपर जो है वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बस वही है कि रफ वर्क वगैरह नहीं करना OMR पे, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, MCQ जो है वो 4 choices होंगी, ब्लैक पेन आपने यूज़ करना है, OMR शीट पे करना है, तो OMR की प्रैक्टिस आप पहले से करके रखो, इसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करो। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ये थोड़ा अलग होता है, जैसे अगर आप नीट या JEE ऐसे एग्ज़ाम से कंपेयर करो, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये नेशनल लेवल का नहीं है, ये उनकी यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, तो उन्हीं का अपना ही लेवल पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा, तो आपने उसी के हिसाब से इसमें तैयारी करनी है।
और मेक श्योर जब आप प्रेपरेशन करो आप वही लेवल एंड पैटर्न की करो जैसा एग्ज़ाम का है, ये ना हो कि आप उसे चेंज कर दो। चेंज नहीं करना, जो लेवल है बिल्कुल उसी हिसाब से करनी है। पहले थ्योरी पढ़नी है चैप्टर वाइज, फिर फुल सिलेबस के आपने क्वेश्चंस करने, पहले चैप्टर वाइज थ्योरी क्वेश्चन कर लिए ना जब, फिर फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करना। सनी कोचिंग क्लासेस में यहाँ पर हमारे पास स्पेशल बैचेज अवेलेबल हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल वही लेवल पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी, सारा स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, जो कुछ इसमें आना, जो जो लेवल है, वे है, बिल्कुल उसी हिसाब से तैयारी करवाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर सारे बताए भी जाएंगे, क्लासेस में भी करवाए जाएंगे, और फुल सिलेबस के जो MCQs हैं वो भी आपको फिर एंड में मॉक टेस्ट जो फॉर्म है उसमें करवाए जाएंगे। हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे से कोचिंग लेके अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन सिक्योर करी हैं, और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर लुधियाना पंजाब में है, अगर आप यहाँ पर आके करवाना चाहें, ऑफलाइन कोर्स लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। वैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन में परस्यू करते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है एक। जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें अवेल करनी चाहिए। लाइव क्लासेस होती हैं ऑनलाइन में, आपको कुछ नहीं समझ आया आप क्लास में पूछ सकते हैं, आउट ऑफ क्लास टाइम पूछना है आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारा कुछ वैसे ही आपको करवाया जाएगा जो एग्जामिनेशन का वे है, लेवल है। तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्प्लेड नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज हैं उनकी जो पैटर्न्स हैं उसकी वीडियोस यहाँ पर हैं, इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और मोर अपडेट्स के लिए। और भी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी जैसे जैसे टेस्ट आते हैं वैसे वैसे, जैसे PAU की एक नोटिफिकेशन आई थी तो वो भी हमने इस चैनल पे पोस्ट करी, ऐसे जैसे जैसे आते रहेंगे सभी के मेडिकल और मेडिकल के अलग अलग एंट्रेंसेस वैसे वैसे हम पोस्ट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।